वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जाने वाले हनुमान ताल और वीडियो एंड तक देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनोखी होने वाली है इस बार की नवरात्रि। तो आप चल के आप सभी को बताते हैं कि हनुमान ताल में किस प्रकार से मूर्ति बन रही है और मूर्ति में क्या क्या काम हो चुका है। तो चलते हैं आपसे हनुमान ताल में मिलते हैं। ठीक है, सभी मूर्ति कम्प्लीट हो गई है। पीछे रखी है एक लेफ्ट में और बाकी एक वो भैया पीछे तैयार कर रहे हैं। बाकी दो मूर्ति अंदर भी रखी है, मूर्ति तैयार होना बाकी है। ये सब मूर्ति आज ही जाने वाली है, पंचमी को बस शायद एक दो मूर्ति जाएंगी, बाकी ये सब जो मूर्ति रखी है ये सब आज ही जाने वाली है। तो मैं आपको एड्रेस भी समझा देता हूँ आपको। और बाकी ये पूछे मूर्ति रखी है बीना के पास जाना है भोपाल में। बाकी चलते आएंगे आपको बताते हैं मूर्ति के सिनेमैटिक शॉट्स। बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है ये वाली मूर्ति। ये बन रही है, बन चुकी है कंप्लीट हुई है। ये भैया पेंट कर रहे हैं, वो हैं बाकी पीछे हैं, बाकी दो वहाँ पर हैं और पीछे वहाँ पर भी मूर्ति हैं, एक वहाँ पर भी तीन मूर्ति हैं, यहाँ पर दो मूर्ति हैं। ये कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी जाने वाली हैं।
ये वाली मूर्ति ढकी हुई है, मतलब कलर हो चुका है इनमें, अभी भी इनमें भी कलर हो चुका है, नीचे भी सब कुछ हो ही चुका है, ये बाकी इनमें कलर हो चुका है, बट काफ़ी काम अभी बाकी है। ये मूर्ति में सिर्फ मतलब वो फेस के ऊपर के जो बाल रहते हैं वो बस लगने, बाकी पूरी मूर्ति कंप्लीट है, देख सकते कितनी ज़्यादा अनोखी लग रही है। ये शेर कंप्लीट हो चुका है, जो रथ वाली माता है वहाँ पर रखी है, उनके साथ जाना है, वो रथ रखा है और ये बाकी शेर रखा है, बाकी ये कुछ मूर्तियाँ बन रही हैं, कुछ ही मूर्तियाँ बन रही हैं, और बाकी ये देख रहा शेर कितना ज़्यादा बड़ा है, बट इसके ऊपर क्या है अलग, ये शेर अलग से है, माता जी अलग से है, ये राक्षस है शायद, बाकी इसके अंदर कुछ शेर ढके हुए हैं, ये अभी मतलब नहीं जाना पिछले साल के ही, बाकी ये जो है ना ये मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, बट उन्होंने पर्दा ढाक दिया है, ये वाली भी शेर कंप्लीट हो चुका है, तो सामने वाली माता जी के सकता है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, एक रुपये जैसा पूरा, एक रुपये लग रहा है, मूर्ति बीना जाना है, वो वाली मूर्ति बीना जाना है, भोपाल के पास बीना पड़ता है, इतनी ज़्यादा अनोखी मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वो वाली बीना जाना है और जे वाली बीना जाना है मूर्ति, भोपाल के पास पड़ता है बीना। वो भैया बना रहे एक गो, तो बाकी कुछ अंदर मूर्ति बन रही है, एक गो और एक ये वाली है, एक ये वाली बन रही है, वो भी कंप्लीट होना भी बाकी है।